वीडियो में हम देखते हैं कि जो पैटर्न रहता है वह क्या होता है और उस जो अलाउंसेस रहते हैं पैटर्न अलाउंसेस वह कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैटर्न क्या होता है। पैटर्न जो भी कोई हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो यह ऑब्जेक्ट बनाना है इस किस शेप का है, किस साइज का है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसी के जैसा एक पैटर्न बनाते हैं। वुड का पैटर्न रहता है या मेटल का पैटर्न रहता है, तो हम क्या करते हैं यह जो ऑब्जेक्ट बनाना है इसके जैसा पैटर्न बनाएंगे, उसका शेप और साइज रहेगा इसके जैसा ही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन उसमें सब मॉडिफिकेशंस रहेंगे, मतलब कुछ मॉडिफिकेशन रहेंगे जो कि एलोएंसेस के फॉर्म में होंगे। तो वह एलोएंसेस क्या क्या होते हैं वह हम देखते हैं। तो जो पैटर्न एलोएंसेस रहते हैं वह कौन कौन से होते हैं यह देख लेते हैं हम पहले। तो पहला जो एलोएंसेस होता है पैटर्न में जो हम देते हैं वह रहता है श्रिंकेज और कॉन्ट्रेक्शन, श्रिंकेज और कॉन्ट्रेक्शन अलाउंस। सेकंड नंबर का जो अलाउंस रहता है वह होता है ड्राफ्ट और टेपर, ड्राफ्ट और टेपर। इन सभी को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। थर्ड जो पैटर्न अलाउंस होता है वह होता है मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंस, मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंस। फोर्थ टाइप का जो अलाउंस होता है वह होता है शेक और रैकिंग, शेक और रैपिंग। फिफ्थ टाइप का जो अलाउंस होता है डिस्टोर्शन और केम्बर अलाउंस, डिस्टोर्शन और केम्बर अलाउंस। तो इन सभी को हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि ये सभी अलाउंस क्या होते हैं और इन्हें हम किस प्रकार से पैटर्न में देते हैं, पॉजिटिव अलाउंस या नेगेटिव अलाउंस। सबसे पहला अलाउंस जो हम देखेंगे वह है श्रिंकेज कॉन्ट्रेक्शन। हम देखते हैं श्रिंकेज और कॉन्ट्रेक्शन अलाउंस। इसको समझने के लिए पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं टेम्परेचर और टाइम के बीच, टाइम है और ये टेम्परेचर है। तो हमारा जो लिक्विड मेटल रहता है वह रहता है पोरिंग टेम्परेचर पे, पोरिंग टेम्परेचर तक हम इसको हीट देते हैं या पोरिंग टेम्परेचर तक इसमें हम इसे ले जाते हैं। लिक्विड मेटल जो मेटल रहता है उसे हम इस टेम्परेचर तक ले जाते हैं। उसके बाद जब यह इतना गर्म हो जाता है पोरिंग टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, उसके बाद हम इसे उस जिसकी रिफ्रेक्ट्री से हमने जिसकी रिफ्रेक्ट्री में हमने इसे गर्म कराया है वहां से लेके आएंगे और हमारी जो केविटी रहेगी उसमें हम इसे डाल देंगे, जैसे यह माउंट बॉक्स है और इस प्रकार से हमारी जो केविटी है इसके अंदर हम इस लिक्विड मेटल को डाल देंगे। यहाँ से पोर करके इसमें हम डाल देंगे, जैसे मैं इसे बता रहा हूँ आपको बनाने के लिए। तो जब ये इसके अंदर चला जाएगा उसके बाद क्या होता है कि पोरिंग टेम्परेचर पे रहता है पहले लिक्विड मेटल, पोरिंग टेम्परेचर पे रहता है, उसके बाद ये जब हीट रिलीज करता है ठंडा होना चालू करता है तो यह पहुंच जाता है फ्रीजिंग टेम्परेचर पर। तो ये आ जाता है फ्रीजिंग टेम्परेचर। फ्रीजिंग टेम्परेचर पर जब ये आता है तो इसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन रहता है मतलब लिक्विड फेज से यह सॉलिड फेज में आना चालू हो जाता है। तो उस समय पर इसका जो टेम्परेचर रहता है
टेम्परेचर सेम रहता है लेकिन वह उसकी फॉर्म जो है वो चेंज होती जाती है, फेस चेंज होती जाती है। जब वो यहाँ पहुंच जाता है उसकी फेस पूरी चेंज हो जाती है। उसके बाद जो टेम्परेचर रहता है टीएफ वह एम्बियंट टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, एम्बियंट टेम्परेचर तक पहुंच जाता है टीएफ। ये तो देखिए इसमें क्या होता है, ये जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो जब हम बोरिंग टेम्परेचर से फ्रीजिंग टेम्परेचर तक वो आता है लिक्विड मेटल, तो उस दौरान जो श्रिंकेज होता है, मतलब जब वह कुछ हीट अपने अंदर से रिलीज करता है तो उसके कारण उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, श्रिंकेज होता है, तो वह होता है लिक्विड श्रिंकेज। उसे हम बोलते हैं लिक्विड श्रिंकेज। यह होता है लिक्विड श्रिंकेज, श्रिंकेज। उसके बाद जब यह सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में इसका फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस समय इसमें, इस समय भी इसमें श्रिंकेज होता है। इस श्रिंकेज को हम बोलते हैं सोलिडिफिकेशन श्रिंकेज, सोलिडिफिकेशन श्रिंकेज जो होता है सोलिडिफिकेशन श्रिंकेज। और जब यह 3 से 4 तक इसका श्रिंकेज होता है, जब यह फ्रीजिंग टेम्परेचर से एम्बियंट टेम्परेचर पर आ जाता है, उस दौरान इसमें जो श्रिंकेज होता है उसे हम बोलते हैं सोलिड श्रिंकेज। तो अब इनमें हमने देखे कि 3 टाइप के श्रिंकेज होते हैं किसी भी कास्टिंग को बनाते हैं। जब हम लिक्विड फॉर्म से बाहर सॉलिड फॉर्म में आ जाता है तो उसमें उस दौरान 3 श्रिंकेज होते हैं। तो ये जो लिक्विड श्रिंकेज और जो सोलिडिफिकेशन श्रिंकेज रहता है, यह जो लिक्विड फॉर्म में हो रहा होता है, ये तो लिक्विड फॉर्म में रहता है यहाँ टीटी से टीएफ तक, और टीएफ से T2 से 3 के बीच में भी यह लिक्विड से फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो उस ये दोनों जो श्रिंकेज रहते हैं, तो हमने जो पैटर्न बनाया है, तो अगर पैटर्न हमारा सेम साइज का है जो कि हमें ऑब्जेक्ट का बनाना है, तो क्या होगा कि जब ये श्रिंकेज होंगे तो हमारे जो फाइनल कास्टिंग की साइज रहेगी वह कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अपना ये जो 2 श्रिंकेज रहते हैं यह इसको हटाने के लिए हम राइजर का यूज करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक राइजर लगाते हैं हम कास्टिंग के ऊपर, तो वह जो राइजर रहता है उससे हम इन दोनों श्रिंकेज को खत्म कर देते हैं। तो होता क्या है, जब हम लिक्विड मेटल को बोर करते हैं तो उसमें कुछ जो लिक्विड मेटल रहता है वह राइजर में भी चला जाता है साइमल्टेनियसली जब केविटी फिल होती है। तो जब ये दोनों श्रिंकेज होते हैं उस दौरान राइजर का जो लिक्विड मेटल रहता है वह केविटी के अंदर आ जाता है, और जो हमारी केविटी जो पैटर्न जो साइज रहता है कास्टिंग का वह मेंटेन रहता है। लेकिन जब 3 से 4 स्टेज पर आ जाता है तो वह सॉलिड श्रिंकेज रहता है। सॉलिड श्रिंकेज मतलब जो राइजर का भी मटेरियल है वह भी सॉलिड फॉर्म में आ चुका है, और जो केविटी का मटेरियल है वह भी सॉलिड फॉर्म में आ चुका है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है कि सॉलिड श्रिंकेज के लिए हम पहले ही पैटर्न को थोड़ा ज्यादा साइज का बनाते हैं। तो जब यह श्रिंक होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उस समय इसका साइज जो है वो फाइनल ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा। तो यही होता है श्रिंकेज और कॉन्ट्रेक्शन एलोएंस, मतलब हम जो पैटर्न रहता है उसमें पहले ही उसको उसका जो साइज है वह बढ़ा देते हैं। तो इस टाइप से आप इसे समझ सकते हैं। अब यह किस चीज पर डिपेंड करता है कि हमारा जो मटेरियल है वह कब बढ़ेगा, कब उसका कॉन्ट्रेक्शन होगा, कब सॉलिडिफ कब कॉन्ट्रेक्शन होगा, कब एक्सपांशन होगा। तो एक टर्म रहती है अल्फा, जिसे हम बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, कोफिशियंट ऑफ थर्मल
एक्सपांशन। तो जब हम कूलिंग करा रहे हैं तो कूलिंग के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है, फोर कूलिंग, अगर अल्फा पॉजिटिव है, अगर अल्फा जो है वह पॉजिटिव है तो इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा। अगर किसी एलिमेंट का, किसी मेटल का अल्फा अगर पॉजिटिव है और हम कूलिंग करा रहे हैं तो इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको कूल कर रहे हैं तो इसका साइज जो है वह रिड्यूस हो जाएगा, फिर ये फाइनल साइज का इतना ही बचेगा। और अगर अल्फा की वैल्यू 0 है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। यह वॉल्यूम की बात चल रही है। और अल्फा अगर नेगेटिव है तो जब कूलिंग करेंगे हम उसे किसी भी मेटल को तो वह उसमें एक्सपांशन होगा, यह कूलिंग के लिए। अगर यहीं पर हीटिंग आ जाएगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इस पर यह डिपेंड रहता है कि मेटल जो है वो उसका ऑब्जेक्ट का एक्सपांशन होगा या फिर उस ऑब्जेक्ट का कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो कुछ मेटल्स के लिए हम इसकी अल्फा की वैल्यू देख ले, सॉरी अल्फा श्रिंकेज की वैल्यू देख लेते हैं कि कितना श्रिंकेज होता है। कुछ मेटल्स के हम श्रिंकेज वैल्यू देख लेते हैं। श्रिंकेज वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेटल, इसमें जो बिस्मथ और इनवर्ट, इनवर्ट जो रहता है, बिस्मथ एंड इनवर्ट, इसके लिए नेग्लिजिबल रहती है श्रिंकेज की वैल्यू, मतलब इसमें कोई श्रिंकेज नहीं होता है। इसके बाद दूसरा आता है वाइट मेटल, इसकी वैल्यू रहती है 5 मिलीमीटर पर मीटर, मतलब अगर कोई 1 मीटर की इसमें ऑब्जेक्ट है, रॉड है, तो वह 5 मिलीमीटर श्रिंक हो जाएगी। उसके बाद इसमें आता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो है वह 10 मिलीमीटर पर मीटर तक श्रिंक होता है। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम जो है वो 13 मिलीमीटर पर मीटर श्रिंक होता है। उसके बाद आता है कॉपर। कॉपर जो है 70 मिलीमीटर पर मीटर तक श्रिंक होता है। फिर आता है स्टील। स्टील 20 मिलीमीटर पर मीटर तक श्रिंक होता है। उसके बाद आता है ब्रास। ब्रास 23 मिलीमीटर पर मीटर आता है। अब इनमें जो लिक्विड श्रिंकेज होता है वह एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम में। तो इसके लिए हम जो है वॉल्यूम, राइजर का वॉल्यूम ज्यादा रखते हैं। उसके बाद जो सॉलिड श्रिंकेज रहता है वह ब्रास में मैक्सिमम होता है। तो इसके लिए हम पैटर्न को जो है लार्ज साइज का बनाते हैं। और जो टोटल श्रिंकेज रहता है, टोटल श्रिंकेज वह स्टील का सबसे ज्यादा। तो यह कुछ श्रिंकेज वैल्यूज थी जो हमने कुछ मेटल्स के लिए देखी है। अब हम चलते हैं दूसरे एलोयंस की तरफ, जो कि है ड्राफ्ट और टेपर एलोयंस। तो ड्राफ्ट और टेपर एलोयंस क्या होता है यह देखते हैं हम। सेकेंड टाइप का एलोयंस है ड्राफ्ट और टेपर। तो कोई जैसे यह एक माल्ट बॉक्स है, इसके
अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, इस टाइप से हमने कोई इसमें ऑब्जेक्ट रखा। अब इसके जो आजू बाजू जो है पूरा यह मॉल्ड मॉल्डिंग सैंड से भरा हुआ है, इस टाइप से पूरा इससे मॉल्डिंग सैंड से यह भरा हुआ रहेगा। यह पैटर्न है। अब क्या होगा जब हम इसकी रेमिंग कर देंगे, रेमिंग मतलब जब हम इसे दबा देंगे अच्छी तरीके से, अच्छे से इसे दबा देंगे, उस समय इसके जो सैंड पार्टिकल से सैंड मॉल्डिंग सैंड जो है वो पूरे इससे इसके पास जम जाएंगे और चिपक जाएंगे। तो यह जो पैटर्न रहता है इसके आजू बाजू चारों तरफ सैंड पार्टिकल्स जमा होते हैं। अब हम जब इस पैटर्न को यहाँ से निकालेंगे तो उस समय यह जो पैटर्न है यह इसमें और जो सैंड पार्टिकल्स है या जो मॉल्डिंग मटेरियल है उसमें जब हम इसे निकालेंगे तो इसमें फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन के कारण ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं इनमें यह कुछ सैंड पार्टिकल्स यहाँ से गिरकर और यहाँ नीचे जमा हो जाएंगे, तो उसके कारण जो है वो हमारा जो फिर कास्टिंग रहेगी उसका साइज बिगड़ जाएगा। तो इसे हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसका जो यह जो पैटर्न का शेप है उस पैटर्न के शेप में हम थोड़ा इस टाइप से ड्राफ्ट दे देते हैं। मतलब अगर हमारा इस टाइप का कोई पैटर्न है, इस टाइप का कोई पैटर्न है तो हम उसमें ये पैटर्न है इसमें थोड़ा सा ड्राफ्ट एलोयंस दे देते हैं, मतलब इस पे थोड़ा इस टाइप से बनाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जब हम इसे थोड़ा सा दबाकर थोड़ा सा इसे नीचे दबाएंगे और फिर ऊपर उठाएंगे तो पूरी की पूरी जो सैंड मॉलिक्यूल्स रहेंगे वहीं के वहीं जमे रहेंगे, जैसे यहाँ है तो यहाँ के यहाँ जमा रहेंगे, और जब उनको इन्हें ऊपर उठाएंगे तो हमारा जो इसका साइज है कम हो रहा है। तो इसीलिए इसके बाद एक बार यह केवल कॉन्टेक्ट में रहेगा और जैसे एक बार आपने थोड़ा सा उसके ऊपर उठा लिया उसके बाद आसानी से ऊपर आ जाएगा और कोई सैंड मॉलिक्यूल्स भी यहाँ से डिस्टॉर्ब नहीं होंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है ड्राफ्ट एलोयंस देते हैं। तो इसका जो थीटा रहता है, इसका जो एंगल रहता है वह हाफ डिग्री से लेकर के 2 डिग्री तक रहता है। उसके बाद कितना हम ये जो एक्स है इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना देंगे, ये हाइट है तो एक्स क्या हो जाएगा एच टेन थीटा। तो इस तरीके से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यह होता है ड्राफ्ट और टेपर एलोयंस। इसमें हम थोड़ा इस तरीके से एंगल देते हैं। अब अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह इस टाइप से है, जैसे एक कास्टिंग यहाँ पर है और एक कास्टिंग इसी के बाजू में यहाँ पर बन रही है और यह पूरा एक मॉल्ड बॉक्स में इस तरीके से है। इसके आसपास भी पूरा मॉल्डिंग सैंड रहेगी, इसके आसपास भी पूरा इस तरीके से पूरी मॉल्डिंग सैंड में रहेगा ये पैटर्न हमारा। अब हमें इन पैटर्न्स को भी ड्राफ्ट देना पड़ेगा। इस टाइप से अगर कुछ आता है तो हम क्या करते हैं, जो आउटवर्ड जो ड्राफ्ट रहता है ये वाला ड्राफ्ट इस तरफ जो रहेगा उसका साइज कम, मतलब इस तरफ हमें कम ड्राफ्ट देना पड़ता है और ये जो मिडिल में रहता है मतलब इसे बीच में जो रहता है या इनवर्ड की तरफ जो रहता है इसमें हमें ज्यादा ड्राफ्ट देना पड़ेगा। इस टाइप से ज्यादा ड्राफ्ट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा और जो आउटवर्ड है उसमें कम ड्राफ्ट देंगे आप तो भी चल जाएगा। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो थिकनेस है आउटवर्ड वाली मॉल्डिंग सैंड की थिकनेस ज्यादा रहती है और इस जगह पर इसकी थिकनेस कम होती है, तो
तो इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। तो जब हम इसे निकालेंगे तो उसमें अपना चांसेस ज्यादा करने के लिए कि यह अच्छा रहे, हम इसमें ज्यादा ड्राफ्ट देते हैं, तो उसके कारण यह टूटता नहीं है, खराब नहीं होता है। तो यह होता है इनवर्ड और आउटवर्ड में। हम आउटवर्ड जो ड्राफ्ट देते हैं तो इनवर्ड में ज्यादा ड्राफ्ट देते हैं और आउटवर्ड में कम ड्राफ्ट देते हैं। तो यह होता है ड्राफ्ट और टेपर एलोयंस। अब हमारा जो थर्ड टाइप का एलोयंस है वह है मशीनिंग और फिनिशिंग एलोयंस। वह देख लेते हैं वह क्या होता है। तो थर्ड टाइप का जो एलोयंस है वह है मशीनिंग एंड और फिनिशिंग एलोयंस। मशीनिंग और फिनिशिंग एलोयंस क्या होता है? जब हम जैसा कि हमने इसके एडवांटेजेस में देखा था, लिमिटेशंस में देखा था कि जो कास्टिंग रहती है, कास्टिंग प्रोसेस में सरफेस फिनिश जो रहती है ऑब्जेक्ट की वह कम रहती है। तो इस ऑब्जेक्ट को हमें बाद में इसकी मशीनिंग करना पड़ता है, इसकी सरफेस फिनिश को अच्छा करने के लिए। तो जब हम सरफेस फिनिश करेंगे इसकी मशीनिंग ऑपरेशन के द्वारा, तो इसका जो साइज रहेगा वह रिड्यूस हो जाएगा। तो वह डिपेंड करेगा कि हमने मॉल्डिंग सेंट जो है वो उसका ग्रेन साइज क्या है, इस पर वह डिपेंड करेगा कि हमें सरफेस फिनिश कितनी चाहिए, सरफेस फिनिश कितनी चाहिए। इन दोनों में चाहिए, दोनों चीजें आपको देखना पड़ेगा कि सेंड की जो ग्रेन पार्ट, ग्रेन स्ट्रक्चर, मतलब ग्रेन का जो साइज है वह कितना है और हमें सरफेस फिनिश कितनी चाहिए ऑब्जेक्ट की। तो इसके द्वारा हम यह तय कर पाएंगे कि हमें पैटर्न का साइज कितना रखना है और उसमें हमें मशीनिंग अलाउंस और फिनिशिंग अलाउंस कितना देना है। तो यह होता है मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंस। फोर्थ टाइप का हम अलाउंस देखते हैं। फोर्थ टाइप का जो अलाउंस होता है वह होता है शेक और रैपिंग। तो शेक एलोयंस क्या होता है यह हम देखते हैं। जैसे यह एक मॉल्ड बॉक्स है, और इसमें एक मटेरियल, एक पैटर्न रखा हुआ है हमारा, इस टाइप से पैटर्न रखा है, और इसके आजू बाजू पूरा मोल्डिंग सैंड रख भरी गई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पैटर्न रहता है उससे मोल्डिंग सैंड के जो पार्टिकल्स रहते हैं वह कुछ इसमें चिपक जाते हैं ड्यू टू एडहेसिवनेस ऑफ मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड के में जो एडहेसिवनेस रहती है या जो पैटर्न मटेरियल में जो एडहेसिवनेस रहती है उसके कारण मोल्डिंग सैंड के कुछ पार्टिकल्स इस पैटर्न पर चिपक जाते हैं। तो जब हम पैटर्न को जब हम ऊपर की तरफ खींचेंगे या बाहर निकालेंगे तो वह जो पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स, वह भी इसमें लग करके ऊपर निकल आएंगे और इसका साइज जो है वो शेप खराब हो जाएगा। फिर जो फाइनल कास्टिंग बनेगी उसमें वह जो इफेक्ट रहेगा उसका जो भी खराब साइज शेप वो बनकर आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि यह जो पैटर्न है इसे हम थोड़ा पहले इसे हिला देते हैं। जैसे कोई भी हमारा पैटर्न है, यह पैटर्न है, हमें इसे बाहर निकालना है। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि कभी भी जैसे आपको इस रेत में आप डालते हैं कुछ भी मटेरियल, कुछ भी चीज़ निकाल रहे हैं या मिट्टी में, तो आप पहले उसे थोड़ा सा हिला लेते हैं और उसके बाद जब जगह बन जाती है, जो क्लियरेंस बन जाता है इसके बाद में, तो आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसा ही हम इसमें भी करते हैं, जब हम इसे थोड़ा शेक कर देते हैं तो इसे हम आसानी से फिर निकाल सकते हैं, क्योंकि साइड में यहाँ पर एक क्लियरेंस बन जाता है, मतलब जो सैंड पार्टिकल्स रहते हैं वो थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। तो यह डिपेंड करेगा उस ऑपरेटर पर
जो इसे निकाल रहा है उसकी स्किल पर डिपेंड करेगा कि हमें यह शेक और रेटिंग अलाउंस कितना देना है। क्योंकि अगर अच्छा ऑपरेटर है, जो एक्सपीरियंस ऑपरेटर है, उसको ज़्यादा शेकिंग नहीं करना पड़ेगा, वह थोड़ा शेकिंग करेगा और निकाल लेगा क्योंकि उसकी हैबिट में आ चुका है। और अगर कोई नया ऑपरेटर है तो उसे ज़्यादा इसमें शेकिंग करना पड़ेगा और फिर वह इसे निकाल पाएगा। तो यह होता है शेक और रेपिंग एलोयंस। इसके बाद जो फिफ्थ टाइप का एलोयंस होता है वह होता है डिस्टोर्शन और कैम्बर एलोयंस। फिफ्थ टाइप का जो एलोयंस होता है वह होता है डिस्टोर्शन और कैम्बर एलोयंस। तो यह क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जिनका साइज अलग रहता है, जैसे इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट हमें बनाना है। इस टाइप का कोई पेट ऑब्जेक्ट हमें बनाना है कास्टिंग से। जब हम इसकी कास्टिंग करेंगे तो जब लिक्विड मेटल को हमने इसमें डाल दिया है या सॉलिडिफाइड हो चुका है, तो उस समय इसमें कुछ स्ट्रेसेस आएंगे और उन स्ट्रेसेस के चलते इसका जो साइज है वह डिस्टोर्ट हो जाता है। जैसे अगर यह है, इस टाइप का हमें बनाना है और फाइनल ऑब्जेक्ट, लेकिन इसका साइज हो सकता है इस प्रकार का हो जाए, इस टाइप से इसका साइज हो जाए, शेप इस टाइप से हो जाए, या हो सकता है कि दोनों अलग अलग हो जाएं, यह बाहर की तरफ चला जाए ड्यू टू स्ट्रेसेस, जो स्ट्रेसेस आएंगे उनके कारण। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमें पता है कि हमें यह शेप का ऑब्जेक्ट बनाना है और इसमें इस टाइप का जो है स्ट्रेसेस के कारण डिस्टोर्शन आ रहा है, तो यह बाहर की तरफ आ रहा है, इस टाइप से बाहर की तरफ यह इसका शेप हो रहा है, जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो पैटर्न रहेगा उसे पहले ही हम अंदर की तरफ बनाएंगे। जैसे इधर ना बना करके, सीधा ना बना करके, इसे हम थोड़ा अंदर की तरफ ऐसा मोड़ के बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जब इसमें स्ट्रेस आएंगे और जब बाहर की तरफ फैलेगा, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा, फाइनल ऑब्जेक्ट का शेप रहेगा, वह जो हमें डिजायर्ड शेप है वही मिल जाएगा। तो यही होता है डिस्टोर्शन और कैम्बर एलॉय। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर